चूरू की सरदार सरोवर रोड पर स्थित सेठानी का जौहर न सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि मानवता की मिसाल भी है। इस जौहर का निर्माण सेठानी ने उस वक्त कराया जब पूरा प्रदेश आकार की चपेट में था। लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। ऐसे में न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी यह तालाब जीवन स्रोत बन गया। गायों के लिए यहाँ गो घाट बनाया। विक्रम संवत 1956 में पड़ने के कारण इसे छपनिया का अकाल कहते हैं। इस अकाल ने पूरे थार के साथ चूरू को भी अपनी चपेट में लिया। बिन पानी हालात इस कदर भयावह हो गए थे कि यहाँ से लोग पलायन करने लगे थे। उसी वक्त सेठ भगवान दास बागला की पत्नी ने इस जौहर का निर्माण कराया ताकि लोग और पशु पक्षियों को राहत मिल सके। उस वक्त जौहर के निर्माण से लोगों को रोजगार भी मिला। आयताकार जौहर का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर है। जौहर के चारों कोणों पर चार भुजाएं आकर मिलती है। जौहर में 14 स्तंभों एवं कंगूरों से निर्मित 3 प्रवेश द्वार भी है। यह जौहर पत्थरों और चूने से निर्मित है। करीब 4 वर्ष पहले मुख्यमंत्री बजट घोषणा में इस जौहर के लिए 75 लाख रुपए पास हुए जिससे इसका जीर्णोद्धार कराया गया। साथ ही ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण का यहां बोर्ड भी लगाया गया। लेकिन आज जौहर के अंदर गंदगी के ढेर लगे हैं। असामाजिक तत्व यहां डेरा जमाए रहते हैं। जिला प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहे इस जौहर पर अगर प्रशासन ध्यान दे तो यह स्थल पर्यटन स्थल के रूप में और अधिक विकसित हो सकता है। सेठानी जौहर को निहारने आए रत्नेश कुमार ने कहा कि अगर यहां गार्डन डेवलप किया जाए और जौहर के प्रवेश द्वारों पर आकर्षक लाइट लगाई जाए और मरम्मत करवा जौहर को फिर से उसका मूल रूप दिया जाए तो पर्यटक यहां बड़ी संख्या में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। सेठानी का जोड़ा है और ये ऐतिहासिक स्थल है। ये घूमने लायक जगह है और बहुत अच्छी जगह है। तो थोड़ा सा इस पे प्रशासन का ध्यान दिया जाए तो ये बहुत ऐतिहासिक और वास्तविक बढ़िया चीज बन सकती है। वो थोड़ा सा यहाँ रिपेयरिंग और कलर हो जाए तो बहुत अच्छा बन जाता है। और थोड़ा सा इसमें गार्डन और लाइट वगैरह हो जाएंगी तो अच्छा हो जाएगा।